न्यू चैप्टर हेलो अल्केन्स। लेकिन उससे पहले बताने से पहले मैं तुम्हें एक मास्टर जी की पोटली से एक ट्रिक बताता हूँ, वो समझिए। देखिए बेटा, पहले होता है एक छोटा सा रिडक्शन और एक होता है छोटा सा ऑक्सीडेशन। ये जो रिडक्शन होता है ये किससे करवाया जाता है, होता है क्या रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन? पहली चीज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी चीज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरी चीज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, चौथी चीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। होता है नहीं होता, चार चीज होता है और इसी का उल्टा पुल्टा ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई प्लस टू है, जैसे मैं कह दूं सीधी सी कि बेटा सी आर प्लस थ्री पर है और वो सी आर प्लस सेवन पे गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर इसका उल्टा कह दूं मैं, सी आर प्लस सेवन से सी आर प्लस थ्री पे गया, तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ। बात समझ में आ गई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन दो बातों से डील करेंगे बेटा, इन दो बातों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये जितनी भी ऑक्सी रिड्यूसिंग जो रिडक्शन होता है ये किसकी मदद से होगा, इट इज डन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन इज डन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो समस्या आती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट करते क्या हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, वो सारे फटाफट लिख डालूँ पहले, तो उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तो पहला है आपका, अच्छा एक और चीज़, जब भी हम अल्केन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं किस में जाता है, अल्कोहल्स में जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे किस में जाएगा, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स में जाता है। और एल्डिहाइड या कीटोन्स का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किस में जाता है, एसिड या उसके भाई बहन। एसिड के पांच भाई बहन थे पता है ना, एक बहन थी बड़ी सी एनहाइड्राइड और बाकी सब एसिड के भाई बहन थे। फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाते तो किसमें जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज बर्निंग या कंबशन। कंबशन पे एक ही चीज़ बाहर निकलती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। पीछे जाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। पीछे जाने के प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज चेंज नहीं होती वो है कार्बन के नंबर। कार्बन के नंबर उतने ही रहेंगे। अब दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, एक होगा वीक माइल्ड जिसे बोलते हैं और एक होगा स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग वाले क्या करेंगे, जैसे अल्कोहल पे हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा मैं, तो क्या करेगा वो दो या तीन स्टेप आगे ले जाएगा उसको। स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं, दो या तीन स्टेप आगे ले जाते हैं, लेकिन वीक वाले क्या करते हैं, इतनी ताकत होती नहीं तो एक स्टेप आगे ले जाएगा। समझ में आ गया? और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूंगा तो दो या तीन स्टेप पीछे ले जाएगा, और वीक वाले हैं तो एक स्टेप पीछे ले जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये नोट डाउन करो फटाफट। ऑलराइट, अब बात करते हैं बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो रिडक्शन हमेशा करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, इसका काम क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको हमेशा नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, वो नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में आए या फिर एच पॉजिटिव के फॉर्म में, कहीं से भी आए, मतलब इनका मेन काम होता है कि दे प्रोड्यूस, क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। व्हाट इज नेसेंट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन, जो रिएक्शन के दौरान निकला हो, रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये दो तरह के होंगे, वन इज माइल्ड
अनदर इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। माइल्ड वाले याद रखिए बेटा, माइल्ड वाले क्या कौन कौन से होंगे, सबसे पहला तो होता है निकल पैलेडियम प्लैटिनम विद हाइड्रोजन, सेकंड है आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऑल दो रिमेंबर दिस थिंग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कल बताया था ना आपको आका हिप्पो को आका, ये आका जी हैं। देन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, देन डाइबेल बी एल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम आइसोब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद कौन से है बेटा, मैग्नीशियम विद वाटर, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल जिसको नाइस्ट्रोम रिएजेंट कहा जाता है, ये रटना है सीधी सी बात है, ठीक है। देन जिंक अमलगम, ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग की बात करें स्ट्रॉन्ग में आ जाता है, अच्छा इसमें एक और चीज याद रख लेना, दैट इज पीडी विद BSO4 जिसको कहा जाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो आपके पास मिलेगा जिंक अमलगम विद HCl जिसको क्या कहा जाता है क्लेमेंशन रिएजेंट, क्लेमेंशन रिएजेंट, रेड फॉस्फरस विद HI और I2, NH2 विद KOH इसे क्या कहते हैं हाइड्राजीन, और इसे कहा जाता है वुल्फ किशनर रिएजेंट, बेटा इनके नाम से रिएक्शंस भी हैं, वुल्फ किशनर रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इन सब का काम क्या होता है बेटा, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतना एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको स्टार्टिंग में, क्या करते हैं ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे जो रिडक्शन करवाएंगे, लिखो चल ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, क्या करते होंगे बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, ये भी दो तरह के होंगे, वन इज माइल्ड, माइल्ड का मतलब वीक होता है, और अनदर इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। माइल्ड वाले बताओ, चलो माइल्ड के लिए सबसे पहले कॉपर विद 573 केल्विन, ठीक, और PCC पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, मैं अभी नाम बता रहा हूँ डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जोन्स रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट, ठीक है, अभी सिर्फ नाम लिखेंगे आगे डिटेल में देखेंगे। देन NaOH मतलब NaOI, जैसे मान लो NaOBr, मान लो तो NaOI काम आएगा तुम्हारे, जिसको हम क्या बोलेंगे सोडियम हाइपो आयोडाइड्स, सोडियम हाइपो आयोडाइड, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है NaOH प्लस I2, ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म रिडक्शंस में काम आएगा, मेनली क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म्स रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। देन यू हैव हैलोजन्स, हैलोजन्स इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडेशन करते हैं आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं। स्ट्रॉन्ग की बात करें बेटा तो कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है। तो ये सारे क्या करते हैं बेटा, ये सारे आपको प्रोवाइड करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, बस ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बोल दूं बेटा, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये है बेटा
और इस पे रिएक्शन करवाया तुमने कॉपर विद 573 केल्विन, और दूसरी रिएक्शन करवाई तुमने यहाँ पर K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो बस तुम्हें क्या पहचानना है, स्ट्रॉन्ग है क्या वीक? ये कैसा है बेटा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है ना। तो करते क्या है, वीक वाले एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, तो अल्कोहल का एक स्टेप आगे क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, कार्बन नंबर उतना ही रहेंगे, तो दो कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है तो दो स्टेप आगे लेके जाएंगे, क्या बनेगा बेटा, दो कार्बन का ही एसिड बन गया। मैकेनिज्म वगैरह आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक रफली आइडिया तो लग गया हमें कि क्या बनने वाला प्रोडक्ट। तो सारा रोल प्ले इनका है कि कितने स्टेप्स आगे लेके जाते हैं और क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या नहीं बनेगा। मैं एक और बात बताता हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी और क्या कंपाउंड है आपके पास उस बात पे भी, वो सब चीज़ें मैकेनिज्म में क्लियर होगी। ऑलराइट, फटाफट लिखो इन सबको। नाउ गिवन हेडिंग, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, फर्स्ट चैप्टर आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर माना जाता है इसको, सबसे ईजीएस्ट, सबसे ईजीएस्ट। आगे समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूँ। हेलो अल्कीन एंड हेलो अरेन्स, मतलब एक तरफ एलिफेटिक है, दूसरा क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे हेलो अल्कीन की। किसकी बात करेंगे बेटा? हेलो अल्कीन की। देखो हर चैप्टर के अंदर है ना तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला प्रिपरेशन, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी। बस इन्हीं तीन हेडिंग्स के अंदर हर चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो नए पेज से स्टार्ट करना है इस बात को। हेलो अल्कीन, जिसको हम कहते हैं RX, यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है, X माइट बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चार हो सकते हैं। इन्हें हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन्स क्यों? क्योंकि दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। हेलो मतलब सॉल्ट, जन्स मतलब मेंबर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कितने तरीके से बनाया जा सकता है उसको, पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझनी है ना तो बेटा टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं इसको बनाने के, माइंड में सारा काम होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर सीखना है तो। ये नहीं कि तुम इसको रट रहे हो, क्या करते हो तुम लोग, रिएक्शन जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा ना मैं फ्लो चार्ट दूंगा तो एक एक बच्चे से पूछूंगा बेटा कितने मेथड, पहले मेथड के नाम याद करो, फिर आपको ये याद रखना है कि उसके अंदर कितने पार्टीशंस थे, किस किस मेथड में गए। ठीक है, जैसे इसको 5 तरीके से बना सकते हैं हम लोग, हेलो अल्कीन को बनाने के 5 तरीके हैं। पहला आता है फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन्स से। सेकेंड इज फ्रॉम अल्कीन्स। थर्ड इज फ्रॉम एल्कोहल्स। फोर्थ इज फ्रॉम हलाइड एक्सचेंज। फिफ्थ इज फ्रॉम एसिड। एंड सिक्स्थ इज, 6 तरीके से बनाएंगे इसको, फ्रॉम PCl5, PCl3, ठीक है, PCl5 एंड PCl3, नहीं इसको हटा दो, ये तो अल्कोहल में आ जाएगा, अल्कोहल विद PCl5 PCl3, 5 तरीके ही हैं बस। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ याद रखो, जैसे कि मैंने कहा अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एसिड्स बनते हैं। तो मतलब जब भी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो लोअर से हायर मेंबर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और जब रिडक्शन करवा रहे हैं तो हायर मेंबर से लोअर मेंबर की तरफ आ रहे हैं रिएक्टिविटी में। रिएक्टिविटी एसिड की ज़्यादा होती है, अल्कीन की कम होती है। जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो रिएक्टिव बना रहे हैं कंपाउंड को एक तरीके से, और जब रिडक्शन करवा रहे हैं तो लेस रिएक्टिव बना रहे हैं। तो हम इसे लोअर मेंबर कहेंगे, इसे हायर मेंबर कहेंगे।
तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, हायर मेंबर की तरफ जाना, रिएक्टिव मेंबर की तरफ जाना, और रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिएक्टिव मेंबर से लेस रिएक्टिव की तरफ आना। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब पहली बात करते हैं, डेट इज फ्रॉम अल्किन्स। अल्किन से कैसे बना सकते हैं, तो अल्किन से हैलाइड्स बनाने हैं, तो जनरल इक्वेशन रहेगी कि अल्किन होता है RH। ठीक है, क्या करवाएं बेटा आर एच पे बताओ कि आर एक्स बन जाए, किसका? सीधी सी बात है कि इस पे एक्स टू का एडिशन करवा दें हम, और क्या बन जाएगा, आर एक्स प्लस एच एक्स बाहर निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हेलोजन चार है हमारे पास, हेलोजन हमारे पास चार है, ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन का मतलब, अच्छा टर्म्स यहीं पे समझते चलना सारी की सारी। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, जो केमिस्ट्री में जनरली यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा है हाइड्रा, तो मतलब होता है वाटर। अगर कहीं लिखा है हाइड्रो, तो क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कहीं लिखा है कार्ब ऑक्सी, तो मतलब होता है CO2। अगर कहीं पे लिखा है हेलो, तो मतलब होता है हेलोजन्स X2। ठीक, अगर कहीं पे सफिक्स आ रहा है लेशन, जेनेसिस, या फिर शन, या फिर नेशन, ये सफिक्स हैं, तो इनका मतलब होता है या तो प्रोसेस या फिर एडिशन। अगर कहीं पे लिखा है लाइसिस, तो इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, ये कुछ टर्म्स एब्रीविएशन से जो जनरली हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे। अगर कहीं पे डी लिखा है, तो डी का मतलब रिमूवल। अगर कहीं पे इलेक्ट्रो लिखा है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है फोटो, तो इसका मतलब सनलाइट। सिर्फ एक लौता एक्सेप्शन है, वो आपको बताऊंगा यहां पर। अब जरा समझिए, जैसे लिखा है डिहाइड्रेशन, ये वर्ड आया बेटा डिहाइड्रेशन। डी का मतलब रिमूवल, माइनस बोल देता हूं, हाइड्रा का मतलब वाटर, शन का मतलब प्रोसेस है डी, वो हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर बाहर निकल रहा हो, हाइड्रेशन कर दिया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का जुड़ना। कार्बोक्सीलेशन, कार्बोक्सीलेशन, तो कार्बोक्सी का मतलब CO2, लेशन प्रोसेस या एडिशन, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ CO2 टेक प्लेस। बात समझ में? सिर्फ एकलौता एक्सेप्शनल है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो कहीं पर भी आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोलाइसिस में अगर हाइड्रो आ रहा है, तो उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का जुड़ना, वाटर का ब्रेकडाउन होना। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो वाटर का ब्रेकडाउन होना, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। सिर्फ यहां एक एक्सेप्शनल है, बाकी हाइड्रो कहीं पर भी आए, हमेशा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अगर ये टर्म जो यहां पे इस्तेमाल होगी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रो क्लोरीनेशन बोल दूं मैं, डिहाइड्रोक्लोरीनेशन, क्या मतलब हुआ इसका, देखो डी का मतलब माइनस, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरो का मतलब सीएल, द और नेशन या शन आ गया, तो इसका मतलब प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एचसीएल टेक प्लेस। समझ में आया, कहानी क्लियर है? अगर सिर्फ ये होता हाइड्रोक्लोरीनेशन, तो रिमूवल ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ HCl। अगर यहाँ पे क्लोरो ने डाल के हेलो बोल दिया जाए, हाइड्रोहैलोजिनेशन, तो प्रोसेस क्या हो गया, रिमूवल एडिशन ऑफ HX। डी आ गया, तो रिमूवल ऑफ HX, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एसिड। तो टर्म्स ये इस्तेमाल होंगी बार बार, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं आनी चाहिए इन टर्म्स में। क्लियर हो गया?
चलिए यस बेटा, क्लोरीनेशन क्या मतलब होगा? एडिशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब देखो क्लोरीनेशन में क्या होता है कि आपने अल्केन लिया कोई भी, प्लस इस पे क्लोरीन का एडिशन करवाया, ठीक है, अल्केन लिया और क्लोरीन का एडिशन करवाया, तो क्या होगा, ये बाहर निकला और क्या बन जाएगा, RCA प्लस HX HCl। अब यहाँ पर समस्या होती है मीडियम की, यहाँ दो मीडियम काम करते हैं, एक होता है डार्क मीडियम में, एक होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सीधा एग्जांपल भी बात करेंगे, जैसे मिथेन लिया और इसका Cl2 के साथ एडिशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एच न्यू सिंबल होता है सनलाइट का, सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा बेटा, देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH3H प्लस ClCl, ठीक है। पहले मैं डार्क में बता दूं, तो डार्क में क्या होता है, एनर्जी कम होगी जिसकी वजह से HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, इसे बोलेंगे हम लोग क्लोरो मेथेन। बट सनलाइट में देखो क्या होगा, CH3H मतलब मीथेन प्लस ClCl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सबसे पहले HCl बाहर निकलेगा और बनेगा CH3Cl प्लस HCl। अब ये जो CH3Cl है ये फिर से फर्दर Cl पे रिएक्ट करेगा और बना लेगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब ये जो बना है CH2Cl2 ये फिर से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बना लेगा, CHCl3 प्लस HCl, और ये जो क्लोरोफॉर्म बना है इसे क्लोरोफॉर्म कहेंगे CHCl3, फिर से रिएक्शन करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में और बना लेगा CCl4 प्लस HCl। तो फाइनल रिएक्शन अगर मैं कहूँ सबको जोड़ दिया जाए, ये कट गया सारा, ये कट गया इधर से, ये कट गया इधर से, उधर से सिर्फ HCl बचा और यहाँ पर CH4 प्लस 4Cl रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और फाइनल रिएक्शन देगा CCl4 प्लस 4HCl। तो मतलब गाड़ी कहाँ रुकी है आपकी, जितने हाइड्रोजन सारे के सारे रिप्लेस हो गया विद द हैलोजन्स। अब इनका थोड़ा सा नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन का एक और नाम होता है हम क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन, जो इसका इंपॉर्टेंट नाम है CCl4 का वो ये याद रखना है, इसको पायरीन भी कहा जाता है। सो क्या बोलते हैं, पायरीन, आग बुझाने में काम आता है, इट एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और इसका तीन नाम होते हैं, एक तो हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल क्लोरीनेशन के अंदर ही, नेम्स का खास ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में लिखना होता है। अब अगर मैंने मिथेन की बजाय इथेन ले लिया CH3CH3 और इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, डार्क में क्या होगा, सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसका मतलब बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl, और सनलाइट के प्रेजेंस में फाइनल रिएक्शन कहाँ रुकेगी, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे हैलोजन से, यही होगा, तो मतलब CCl3CCl3 प्लस HCl, इसे बोलते हैं पल पर क्लोरो इथेन, और इसे क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन, दिस इज पर क्लोरो इथेन, ठीक है। अब अगर मैं लेता हूँ प्रोपेन, अच्छा विदाउट हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, क्या बनेगा, सुनते जाओ,
दोनों में सेम प्रोडक्ट बनते हैं, नाम याद करते हैं, इसका नाम हो गया क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, एन क्लोरोप्रोपेन, एन क्लोरोप्रोपेन, और इसे क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। मैं रेडिकल पहचान लो, ठीक है। अब अगर मैं ब्यूटेन लेता हूं और ब्यूटेन पे सी एल टू करवाता हूं, जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि मैं सेमेंटर से रब करता चलूंगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां बनेगा ये प्लस ये, सिमिलरली ये प्लस ये, इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका नाम बता सकते हो बेटा, दिस वन, सी एल को हटा के देख लो कौन सा रेडिकल बना है, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। नाउ ऊपर का रब कर रहा हूं, अगर आप ये लेके चलते हो, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन, और इसके साथ सी एल की रिएक्शन करवाते हो क्लोरीन की, चाहे डार्क हो और सनलाइट हो, किसी की प्रिंस में भी सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, तो क्या बनेगा इधर, एक तो बनेगा ये प्लस दिस वन, क्या नाम होगा बेटा इसका, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका क्या नाम होगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आप एक चीज देख रहे हो कि मिथेन और इथेन को छोड़कर बाकी सारे कंपाउंड जो हैं वो अलग अलग सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं सनलाइट और डार्क इवेंट्स में, ठीक है। और कैसे याद रखें, सबसे बड़ी बात कैसे याद रखें इसको, तो देखो तरीका क्या है, छोटी सी ट्रिक देता हूं आपको बेटा, याद रखना कि इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, डार्क में करवाते हो रिएक्शन तो ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, डार्क में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन की प्रेजेंस में, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में All hydrogens are replaced by halogen. लेकिन किसके लिए, यह बात होती है for lower member. Lower members में यहां पर सिर्फ दो ही आ जाता है, अल्केन में मिथेन और इथेन में, लेकिन for higher member हमेशा याद रखो बेटा, higher member, higher member मतलब above इथेन, इथेन से आगे की बात हो रही है तब, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड रेडिकल्स फॉर्म, जितने उसके रेडिकल बन सकते हैं ना उतने उसके प्रोडक्ट बनेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक हाइड्रोजन हटा के बात हो रही हो, समझ में आ गई बात, तो बस यहां पर इस चीज को दिमाग में रखना, हमेशा तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। लास्ट वाला रब करूं तो आप मुझे इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए ये बता दो कि अगर मैंने ये ले लिया बेटा, ठीक है, दिस इज आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और इसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ में Cl2, चाहे सनलाइट हो चाहे डार्क हो, चलो मैंने डार्क में करवा दी, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ये सोचो इसके कितने रेडिकल फॉर्म हो सकते हैं, रेडिकल एक ये हो सकता है बेटा, यहां से निकल सकता है, दूसरा एक यहां से निकल सकता है, तीसरा
एक यहां से निकल सकता है, चौथा एक यहां से निकल सकता है, चार निकल सकते हैं। तो जितने इसके रेडिकल बनेंगे उतने इसके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। तो सीएल लगा दें यहां पर, जहां जहां से रेडिकल्स निकाल रहे हो वहां वहां पे सीएल लगा दो और काम खत्म करो अपना। समझ में आई? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। और लैंग्वेज के फॉर्म में हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन नियोपेंटाइल इज ट्रीटेड विद क्या बोलते हैं उसको, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि नियोपेंटेन को अगर ट्रीट करोगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन पाएंगे, बताओ बेटा। नियो कितना, हमने क्वेश्चन ये पूछा कि नियोपेंटेन अगर लेके चलते हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली बात तो नियोपेंटेन बना के देखो बेटा, नियोपेंटेन क्या है, एक और एग्जांपल ले लो। दिस इज नियोपेंटेन, नियो का मतलब डबल ब्रांचिंग होना सेकंड पोजीशन पे, दिस इज नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन पर अगर क्लोरीनेशन करवाते हो, चाहे सनलाइट के प्रिंस में ले लो चाहे डार्क के प्रिंस में, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे इसके, सिर्फ एक है। चाहे यहां से निकालो कहीं से भी घाटे से निकालो, हर बार सिचुएशन बनेगी ये, जिसको बोलेंगे नियोपेंटाइल, और यहां पे लगा दो सीएल, तो क्या बन गया, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो क्लोरीनेशन में कोई समस्या, अब जल्दी हो जाएगा। नाउ सेकंड आता है इसका ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन का मतलब बेटा एडिशन ऑफ ब्रोमीन, Br2 का एडिशन करवाना। हम कहते हैं कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन टेक प्लेस एज सच, एज सिमिलर टू, ठीक है, सेम एज क्लोरीनेशन। तो ये बात याद रखना, सेम एज क्लोरीनेशन। मतलब अगर कोई एग्जाम्पल तुम्हें देना हो तो मैं ये कह दूं CH4 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, क्या बनेगा बेटा, डार्क है लोअर मेंबर है तो एक ही बार निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3Br प्लस HBr, सीधा सा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा बेटा, अब इसके जितने पॉसिबल रेडिकल्स होंगे उतने ही तो ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा एक ये होगा, तो Br यहाँ लग सकता है या फिर यहाँ लग सकता है, तो n propyl ब्रोमाइड या फिर isopropyl ब्रोमाइड, बस सेम हो रहा कहानी, जहाँ Cl था वहाँ Br जोड़ देना बस, ठीक है। समस्या किस में होती है, फ्लोरिनेशन और आयोडोनेशन में, इनमें समस्या होती है। अब जरा देखते हैं क्या रीज़न है उसका, देखिए अब आती है बात फ्लोरीनेशन। बेटा रिएक्शन पे हमेशा याद रखना वर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस को, रिएक्शन के बीचों में से वो क्या करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम बना देते तुम्हारे लिए, ठीक है ना, गिव रीजंस व्हाई वाले या व्हाट हैपेंस व्हेन वाले। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, इसीलिए कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। तो फ्लोरीनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एडिशन करवाते हैं तो देखो बेटा क्या बनेगा, RF बन जाएगा प्लस HF बन जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज, क्या प्रॉब्लम है, कि ये रिएक्शन एक्सप्लोड कर जाती है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक्सप्लोड कर जाती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि देखो ये एफ और एफ बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लिब्रेट करवाएगा काफ़ी ज़्यादा, और वो एनर्जी लिब्रेट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो भी यहाँ कंपाउंड बना है, जैसे कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, इस वजह से जो बनना चाहिए था कुछ नहीं बनेगा और वो सारा कुछ गोबर हो जाएगा। समझ में आई बात, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होने की वजह से हम इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है।
नेक्स्ट आता है आई डोनेशन, चाहे कोई भी अल्केन उठा लेना यहाँ पर, ठीक है, देन इज आयोडीनेशन। आयोडीनेशन का मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन, तो करवा के देखते हैं बेटा, अल्केन पे आयोडीन की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, आरआई बनेगा प्लस एचआई बनेगा। अब यहां समस्या क्या होती है कि ये जो एचआई है, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिएक्शन को बैकवर्ड ले आता है, रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है, ठीक है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और अपने रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से ये रिएक्शन को क्या कर देता है, बैकवर्ड ले आता है। तो ऐसा लगता है रिएक्शन हुई नहीं, वो तो एक्सप्लोड होगी मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, और ये होती ही नहीं है क्योंकि वापस से प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट वहीं का वहीं आ गया, तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो क्या करवाया जाए, तो हमें इस रिएक्शन में इसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो आप याद रखना, ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ एच आई इट गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड चली जाती है, कहां चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगी। सो अगर आपको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ही जाना है तो क्या किया जाए कि अल्केन पर आयोडीन का एडिशन तो करवाएंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इधर HNO3 और HIO3 के प्रेजेंस में करवाते हैं, तब जाके आपकी रिएक्शन RI प्लस HI बन पाता है। अब इनका रोल पूछा जाता है कि why iodination of alkane take place in the presence of iodic acid or nitric acid, तो ये क्या काम करता है। अच्छा, समस्या क्या हो रही थी, बैकवर्ड रिएक्शन क्यों जा रही थी, उस HI के बनने से ना, उस HI के बनने से वो HI बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गया था। बेटा याद करो, रिएक्टिविटी की अगर बात करें अपन, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो अगर HF है, HCl है, HBr है और HI है, विच इज़ मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, जो आसानी से टूट जाए, अनस्टेबल हो, कौन होगा, HI होगा। क्यों होगा भाई, देखो सीधे सी बात, एक छोटा सा बॉन्ड और एक बड़ा सा बॉन्ड और बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा लंबा, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी आसानी से टूटेगा, यहां पे तो दोनों मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं, स्ट्रांगली जुड़ेंगे, जैसा HF इज लेस रिएक्टिव, बात समझ में आई। तो रिएक्टिविटी में देखेंगे तो HI की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हाई है, ठीक है, तो उसको अगर हमें बैकवर्ड नहीं लाना, तो इस HI को यहाँ से कंज्यूम करवाना है, इसको ख़त्म करना है, और ये काम कौन करते हैं, ये करते हैं HIO3, ये क्या करेंगे HIO3, ये HI के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O प्लस I2 बना लेंगे। अब जैसे ये बनेगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा I2 में कन्वर्ट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल I2 पहले से था, रिएक्टेंट साइड में था, तो मतलब इस रिएक्शन में अगर मैं I2 डालूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमेशा फॉरवर्ड जाती है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। HNO3 की बात करेंगे, अगर HNO3 HI के साथ रिएक्शन करेगा तो NO2 प्लस आपका I2 बना देगा, बात समझ में आई, NO2 प्लस I2 प्लस वाटर, तो फिर से I2 बना, रिएक्टेंट्स आगे की तरफ गए, ठीक है। तो ये करते क्या है बेटा, ये इनका रोल क्या है, दे एब्जॉर्ब HI, दे रिएक्ट विद HI एंड फॉर्म I2 एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल आगे चले गए। तो पूरा एक वर्ड में समराइज करें, पहला, अल्केन से अगर हमें बनाना है हलाइड, तो बेटा चार मेथड हो गए, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन और फ्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में आसानी से हो जाती है, लेकिन फ्लोरीनेशन, आयोडोनेशन में दिक्कत है, फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है, आयोडोनेशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसीलिए वहाँ पर क्या चाहिए होता है, हमें कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए होता है जो HI की रिएक्टिविटी को कम करे, ठीक है, बात समझ में आ गई। क्लोरीनेशन में बात करें तो लोअर मेंबर जो होते हैं, लोअर मेंबर कौन है, मिथेन और इथेन, उनकी अगर डार्क में करवाएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट देंगे, सनलाइट के बेस में करवाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट देंगे, ऐसा क्यों, लोअर देखो सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स सारे एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी मिल रही है, जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी छोटे मॉलिक्यूल्स पर उतनी ज़्यादा तोड़ देंगे, टूट जाएंगे आसानी से, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल्स पर बात करें, हायर मेंबर्स पर अगर बात करें, तो जितने उसके पॉसिबल रेडिकल्स होंगे उतने उसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे,
फासिल में एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे दूँ आपको। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया बेटा और बोल दिया जाए Cl2 का एडिशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा? ये लोअर मेंबर है हायर मेंबर है? कार्बन देख लो भैया कितने हैं, छः हैं, हायर मेंबर चला गया ना, दो से जाता ही हाई। अब दो में तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता नहीं है ना, तो साइक्लिक बन गया इसका मतलब हायर मेंबर में आ गया, तीन वाले मेंबर से साइकिल स्टार्ट होगी, और तीन वाले मेंबर से हम लोग क्या कहानी बोलते थे, जितने पॉसिबल रेडिकल उतने ही पॉसिबल प्रोडक्ट। मोनो सब्सटीट्यूशन की बात हो रही, मोनो सब्सटीट्यूशन, डाय सब्सटीट्यूशन नहीं, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके, सिर्फ एक, और क्या बनेगा बेटा, प्लस Cl, तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बन गया। गॉट इट? तो प्रिपरेशन मेथड हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फिर।